नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। बरेली बवाल में आरोपी बिल्डर राजीव राणा का होटल सील करने के बाद अब बुलडोजर की कार्रवाई शुरू हुई है। कई जेसीबी से बिल्डर राजीव राणा का अवैध होटल ढाया जा रहा है। आपको बता दें कि 22 जून को सुबह इज्जत नगर इलाके में फायरिंग हुई थी और आरोप के मुताबिक बिल्डर के इसी होटल सिटी स्टार में फायरिंग के आरोपी बदमाश रुके हुए थे। यहीं पर प्लॉट पर कब्जे की साजिश रची गई थी और इस मामले में 18 अपराधी अब तक गिरफ्तार हो चुके हैं। और इस बीच बुलडोजर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। बरेली फायरिंग केस में बुलडोजर एक्शन इस वक्त चल रहा है। बताया जा रहा है कि आरोपी इसी होटल में रुके थे और यहीं से ही प्लॉट पर कब्जे की साजिश रची गई थी। बिल्डर राजीव राणा पर यह बड़ा एक्शन हुआ है। जो गोली का कांड हुआ है, इसमें इनके पास चार बिल्डिंग्स है, चारों अवैध निर्माण है। उसमें दो में ऑलरेडी हम लोग नोटिस हो चुका है, एंटायर सुनवाई का प्रक्रिया भी पूरा हो गया, ध्वस्तीकरण आदेश भी हो गया है। ये दोनों बिल्डिंग अभी आपके सामने हैं, उसका जो गिरवाने का हम लोग प्रक्रिया सुबह से शुरू कर चुका है। रिमेनिंग दोनों बिल्डिंग के लिए नोटिस हम लोग इशू कर चुका है एंड आज सील हो जाएगा। एंड जैसे उनका सारा प्रक्रिया सुनवाई का उनका सारा मौका देते हुए उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। यूपी पुलिस लगातार अपराधियों की संपत्ति कुर्क करने में लगी है। हम आपको दो जगहों की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं और ये तस्वीरें फिरोजाबाद और पीलीभीत से जुड़ी हुई हैं। ये दोनों तस्वीरें स्क्रीन पर आपके सामने हैं। फिरोजाबाद पुलिस ने शिकोहाबाद में गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोपी ब्रिजेश यादव उर्फ डिम्पू की संपत्ति, लाखों रुपए के ट्रक जब्त किए। आरोपी की 50 लाख से अधिक की संपत्ति के ट्रकों को जब्त किया गया। उधर पीलीभीत में पुलिस ने एक साथ 3 गैंगस्टर एक्ट के आरोपियों के घर की कुर्की की। इनके ऊपर संरक्षित पशु के मांस की बिक्री और तस्करी करने का आरोप है। धारा 14(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आगरा में ग्रामीणों ने लूट के आरोपी को पकड़ने गई एसओजी और पुलिस का विरोध किया और आरोपी को छुड़ाने की कोशिश की। पुलिस काफी मुश्किल से आरोपी को पकड़ कर लाई। आरोपी गोपाल थाना किरावली क्षेत्र के मेडाकुर गांव का रहने वाला है और वो थाना ताजगंज इलाके में लूट का आरोपी है। देहरादून के काठ बंगला में 2 दिन बाद फिर से बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया। 2 दिन पहले 40 अवैध रूप से बने मकानों को यहां पर ध्वस्त किया गया था और एक एक कर अवैध मकान ध्वस्त यहां पर किए जा रहे हैं। आज 50 अवैध रूप से बने घरों को चिन्हित किया गया। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल को यहां पर तैनात किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह देहरादून में ये बुलडोजर एक्शन हुआ है। पहले 40 घरों को यहां ध्वस्त किया गया। अतिक्रमण के खिलाफ ये सरकार का एक्शन है। 2 दिन बाद काठ बंगला में एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। 50 घरों को चिन्हित किया गया है। पूर्व में भी 40 घरों को ध्वस्त किया जा चुका है। अतिक्रमण के खिलाफ सरकार का ये एक्शन, जहां भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी तैनात की गई है। उधर प्रयागराज में बिहार पुलिस की छापेमारी। नीट परीक्षा में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी हुई है। डॉक्टर और उनके बेटे की तलाश में यह छापेमारी की जा रही है। डॉक्टर और उसके बेटे फरार हैं। सोर्सेस से यह बड़ी खबर मिल रही है। प्रयागराज में डॉक्टर का अस्पताल है। डॉक्टर के बेटे ने नीट के लिए फॉर्म भरा था। सॉल्वर गैंग के संपर्क में था डॉक्टर और डॉक्टर ने बेटे की जगह जोधपुर एम्स के स्टूडेंट से परीक्षा दिलवाई थी। ये भी सोर्सेस से बड़ी खबर है। फर्जी आधार कार्ड तैयार किया गया था। किस तरह इस परीक्षा को फर्जी तरीके से करवाया जा रहा था एक सॉल्वर के द्वारा, उसके लिए क्या तैयारियां की गई। डॉक्टर और बेटे दोनों फरार हैं। प्रयागराज में बिहार पुलिस की छापेमारी हुई है। डॉक्टर का अस्पताल प्रयागराज में ही है। सॉल्वर गैंग के संपर्क में था डॉक्टर और बताया जा रहा है कि एम्स के ही एक स्टूडेंट से उसने अपने बेटे का पेपर दिलवाया था। नीट में गड़बड़ी को लेकर यह छापेमारी चल रही है। डॉक्टर और उसके बेटे फरार हैं। बरेली में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई है। यहां एक शख्स ने बीच सड़क पर ही एक लड़के की गर्दन रेत दी। वारदात का वीडियो भी सामने आया है, लेकिन तस्वीरें इतनी खतरनाक हैं कि हम उन्हें आपको दिखा भी नहीं सकते।
जिस लड़के का गला रेता गया उसकी हालत बेहद नाजुक बनी हुई है। लड़के को निजी अस्पताल भर्ती करवाया गया है और वारदात के वक्त सड़क पर मौजूद एक भी शख्स उसे बचाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वारदात के बाद से आरोपी फरार है। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है, साथ ही यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिर इस घटना के पीछे वजह क्या थी। घटना बरेली के बारादरी इलाके की है। आरोपी का नाम रिंकू है। मोमोज का काम कर रहे रिंकू की शफीक से किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और कहासुनी के बाद दोनों में लड़ाई हुई। रिंकू ने शफीक की गर्दन पर धारदार हथियार से हमला कर दिया। पुलिस आरोपी रिंकू की तलाश में जुटी है। जोगी नवादा में दो लड़कों में आपसी विवाद में चाकूबाजी की घटना हुई है। एक लड़के के द्वारा दूसरे लड़के के गले में चाकू से चोट पहुंचाई गई है, जिसका उपचार हॉस्पिटल में हो रहा है, जिसकी स्थिति सामान्य है। मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। शीघ्र ही जिसने घटना की है उसकी गिरफ्तारी कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। और यूपी में ट्रैफिक पुलिसकर्मियों के लिए एक सुकून देने वाली खबर है। यूपी सरकार ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को एसी वाला हेलमेट देने की प्रक्रिया शुरू कर रही है। लखनऊ में खुद सीएम ने इसकी शुरुआत की है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी को एसी वाला हेलमेट पहनाया गया। इस मौके पर सीएम योगी उच्च तकनीक से लैस पीआरवी की गाड़ियों को भी हरी झंडी उन्होंने दिखाई। गर्मी होती है, लू चल्ला होता है, तब ट्रैफिक पुलिस चौराहे पर खड़ी होकर के लोगों को यातायात की बेहतर सुविधा प्रदान करती है और बेहतर सुविधा के साथ उन्हें बहुत बार हम देखते हैं कि ट्रैफिक पुलिस के जवान यातायात को सुव्यवस्थित करते करते वहीं पे बेहोश हो जाते थे, किसी के साथ कैजुअल्टी हो जाती है। यह एयर कंडीशन जो हेलमेट है यह उसकी कुछ हद तक मदद करने में सहभागी बनेगा। कानपुर पुलिस का यह अभिनव प्रयास एक सराहनीय प्रयास है। मैं इसके लिए यूपी पुलिस को और कानपुर कमिश्नरेट को इसके लिए हृदय से बधाई देता हूं। इन वाहनों को भी सभी आवश्यक आधुनिक तकनीक एवं उपकरणों से लैस किया गया है। यूपी 112 का विभिन्न हेल्पलाइनों जैसे फायर, जीआरपी, एम्बुलेंस, महिला हेल्पलाइन, साइबर हेल्पलाइन आदि से के साथ एकीकरण किया गया है। प्रथम चरण की तुलना में, जैसा कि आपका निर्देश था, 15 अतिरिक्त विभागों जैसे सेफ सिटी, मेट्रो रेल, आपदा राहत, रेलवे सुरक्षा बल और अन्य संगठनों के साथ भी एकीकरण का कार्य हो रहा है, जिससे आम जन को बहुत लाभ होने की उम्मीद है। इन एकीकरणों के परिणाम स्वरूप यूपी 112 की सेवा की व्यापकता में विस्तार होगा तथा नागरिकों को एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी आपात सेवाएं मिल सकेंगी। कानपुर के ट्रैफिक पुलिसकर्मी अब गर्मी में भी कूल रहेंगे। हैदराबाद की कंपनी जार्स इनोवेशंस ने उनके लिए एयर कंडीशन हेलमेट बनाए हैं, जो आज खुद सीएम योगी ने डिस्ट्रीब्यूट किए हैं। इन हेलमेट की कुछ खासियत हम जान लेते हैं। ये जार्स इनोवेशंस कंपनी है जिसकी ओर से ये बनाए गए हैं। ये वो बैटरी है जो 8 घंटे तक इस हेलमेट को चलाती है। इसको चार्ज करना पड़ता है अलग से। हमारे साथ कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव भी हैं। आप बता पाएंगे इस हेलमेट के बारे में कुछ, सिद्धार्थ? बेसिकली ये एक 8 घंटे चलने वाला मॉडल है, जो कि हमारी कोशिश ये रहती है कि टेम्परेचर जो बाहर है उससे कंपैरेटिवली 10 से 15 डिग्री टेम्परेचर कम हो हेलमेट के अंदर। प्रॉब्लम मतलब एक्सपेक्टेशन वाइज हो सकती है कि हम लोग कोशिश सोचते होंगे कि हमको ज़्यादा ठंडा चाहिए, बट अगेन ज़्यादा ठंडा भी यूज़र के लिए अच्छी बात नहीं होती। सो कोशिश ये करते हैं कि बेसिकली हम लोग यूज़र के लिए हेलमेट के अंदर में 10 से 15 डिग्री का टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट कर सके। सो इसके साथ एक 8 आवर्स के लिए ये बैटरी पैक आता है, जो कि यूज़र अपने वेस्ट पर लगाता है। सो यूज़र को अपने कमर पे लगाना पड़ता है इसको कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा साइज़ मेरा ज़्यादा है और फिर ये हेलमेट बेसिकली माउंट करना पड़ता है। तो इसके साथ एक वायर होती है जो बेसिकली सर के पीछे से होते हुए बैटरी पैक तक जाती है। ये यूज़ करना बड़ा आसान है। अच्छी बात ये है कि हम लोगों ने इसको दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से यूज़ेबल रखा है, सर्दियों के लिए, गर्मियों के लिए भी। सो गर्मियों में आप चाहें तो इसको यूज़ कर सकते हैं गर्म हवा के लिए भी। सो इनकेस अगर बहुत ठंडी, जैसे यूपी के कई इलाकों में बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, सो हम लोग इसको अगर ऑन करते हैं तो पहले ठंडा हवा देता है,
बट कुछ सेकंड प्रेस करके अगर इसको ऑन करेंगे, कुछ सेकंड प्रेस रखेंगे इसको, तो ये गर्म हवा भेजेगा अंदर में। सो ये बेनिफिट होती है पुलिस डिपार्टमेंट को जो 12 महीने ही डेफिनेटली बाहर रहते हैं। सो एक ही प्रोडक्ट 12 महीने तक यूज़ कर सकते हैं। तो ओवरऑल ये बड़ा सिंपल है यूज़ करना। हम लोग कई और स्टेट डिपार्टमेंट में भी इसकी ऑलरेडी डिप्लॉयमेंट चल रही है, डिस्कशन भी चल रहे हैं। हम लोग प्रूफिंग बहुत जगह कर ली है, हमने इवन स्टेट पुलिस में भी बहुत जगह बात की है, बट अगेन स्लोली एंड ग्रेजुअली पिकिंग अप। दैट्स व्हाट आई थिंक। इसको चार्ज करने का क्या तरीका है? बड़ा सिंपल प्रोसेस है इसको। एक्चुअली हमने डम्प प्रूफ रखा है कि मतलब आसानी से चार्ज कर सके कोई भी यूज़र इसको। ये एक पॉइंट है, इसी से चार्ज होता है, इसी पॉइंट से ये यूज़ भी किया जाता है। सो इसके साथ एक हम लोग चार्जिंग केबल भी सप्लाई करते हैं। सो बेसिकली आपको प्लग करना है, 4.5 घंटे में ये पूरा फुल चार्ज हो जाता है, जो कि 8 घंटा यूज़ करने के लिए काफ़ी होता है। रात में चार्ज कीजिए और दिन भर काम कीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अच्छी बात ये है कि ये दोनों के दोनों सेपरेट यूनिट है, तो आप चाहें तो बेसिकली अगर लंबे टर्म पे यूज़ करना चाहें इसको, तो 2 बैटरी भी ले सकते हैं साथ में। सो 2 बैटरी आप चार्ज करके रखिए, इनकेस हेलमेट चलता रहेगा, बैटरी डाउन होती है बैटरी स्विच कर सकते हैं। कई बार अक्सर पुलिस कर्मियों के दिमाग गर्म होने की भी शिकायतें मिलती हैं, जिससे पब्लिक प्रभावित भी होती है। तो अब चौराहों पर कड़ी धूप में खड़े हुए ट्रैफिक पुलिस कर्मी गर्म नहीं होंगे, उनका तापमान बाहर की अपेक्षा 10 से 15 डिग्री तक कम रहेगा। ये एयर कंडीशन हेलमेट जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। कैमरामैन अनिल के साथ ऋषभमणि त्रिपाठी, न्यूज 18 लखनऊ। कांग्रेस के पूर्व नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। राहुल गांधी के लोकसभा में नेता विपक्ष बनाए जाने पर आचार्य प्रमोद ने तंज कसा। उन्होंने कहा, कांग्रेस को बर्बाद करने में राहुल गांधी को 15 साल लग गए, मुझे लगता है विपक्ष को निपटाने में 15 महीने नहीं लगेंगे। आचार्य प्रमोद ने यह भी कहा कि राहुल गांधी को सियासत सीखनी पड़ेगी। जो कहा है वो बड़ा सोच समझ के कहा होगा। उन्हें मालूम है कि उनकी सदस्यता कोई रद्द नहीं करेगा। उनकी सदस्यता रद्द करने से कोई लेना देना थोड़ी है। अगर उन्हें इतनी मोहब्बत है वहां, तो वो वहां जाके चुनाव लड़ाएं। अब संसद भारत की, सांसद भारत का नारे लगाएं दूसरे पे, तो ठीक नहीं है। हम भी फलस्तीन के साथ हैं, हम भी फलस्तीन को पसंद करते हैं, हमें भी मोहब्बत है वहां। जितना जुल्म जाती हुई उसके हमने भी खिलाफ बात, लेकिन अपना वतन अपना वतन, अपना मुल्क अपना मुल्क। भारत जिंदाबाद था, भारत जिंदाबाद रहेगा। जय जय जयकार तो भारत की होनी चाहिए, जय जयकार भारत माता की होनी चाहिए। कांग्रेस को खत्म। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया। राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण में सरकार की तारीफ की। उन्होंने लोकसभा के नए सदस्यों को बधाई दी और साथ ही सरकार के कामकाज की तारीफ की। मोदी सरकार के अगले 5 साल के विजन को संसद में रखा। चौबीस के लोकसभा चुनाव की चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। दुनिया देख रही है कि भारत के लोगों में लगातार तीसरी बार स्थिर और स्पष्ट बहुमत की सरकार बनाई है। छह दशक बाद ऐसा हुआ है। ऐसा समय में जो भारत के लोगों की आकांक्षाएं सर्वोच्च स्तर पर है, लोगों ने मेरी सरकार पर लगातार तीसरी बार भरोसा जताया। भारत के लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि उनकी आकांक्षाएं सिर्फ मेरी सरकार ही पूरा कर सकती है। इसलिए 2024 का ये चुनाव नीति, नियत, निष्ठा और निर्णयों पर विश्वास का चुनाव रहा है। मजबूत और निर्णायक सरकार में विश्वास, सुशासन, स्थिरता और निरंतरता में विश्वास, ईमानदारी और कड़ी मेहनत में विश्वास, सुरक्षा और समृद्धि में विश्वास, सरकार की गारंटी और डिलीवरी पर विश्वास, विकसित भारत के संकल्प में विश्वास।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज संसद में अपने अभिभाषण में पेपर लीक का जिक्र किया। उन्होंने कहा पेपर लीक की निष्पक्ष जांच होगी और दोषियों को कड़ी सजा दी जाएगी। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पेपर में परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता बहुत जरूरी है। यह भी कहा कि पेपर लीक के खिलाफ कड़ा कानून भी बनाया गया है। कुछ परीक्षा में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। हमारे पहली भी इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संयुक्त बैठक के अपने अभिभाषण के दौरान इमरजेंसी की भी चर्चा की और आपातकाल को लोकतंत्र पर सबसे बड़ा हमला बताया। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं।